के बाद भी ये जन आंदोलन अब रुकेगा नहीं, और अगर जिद पर अड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिद पर अड़ी है सरकार, और जैसे लूट मचाती रही है अब तक उसकी वोटों की, जनता की वोटों की, वो इस बार भी करना चाहती है। मैं जानता हूं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम भी यही हैं और बाकी भी यही हैं। आमना सामना जो कुछ है जनता ही बता देगी। नो ईवीएम, नो वीवीपैट, ओनली बैलेट पेपर। कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल केवल बैलेट पेपर। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात नहीं करी, उन्होंने दो रिपोर्टों की बात करी। एक जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट वीवीपैट एंड ईवीएम जो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की है, उस रिपोर्ट का जिक्र किया, और उन्होंने इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि पर्ची दे दो और उसे बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने दो और उसकी गिनती करो, वो उनकी बात करें, वो अपनी बात नहीं कर रहे। हमारा कोई साथी किसी का भी उसमें कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई दो बात नहीं, केवल और केवल एक बात है कि ना हमें ईवीएम चाहिए ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कि आचार संहिता लगा के वो जनता को डराने चाहेंगे और आचार संहिता लग जाएगी तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाएंगे कि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, और जन आंदोलन जिस समय जनता खड़ी हो जाती है उसके सामने कुछ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि सारी हलचल क्यों हो रही है और क्या होने वाला है। आचार संहिता लगने के बाद भी ये जन आंदोलन अब रुकेगा नहीं, और अगर जिद पर अड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिद पर अड़ी है सरकार, और जैसे लूट मचाती रही है अब तक उसकी वोटों की, जनता की वोटों की, वो इस बार भी करना चाहती है। मैं जानता हूं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम भी यही हैं और बाकी भी यही हैं। आमना सामना जो कुछ है जनता ही बता देगी। पानी प्रताप जी, आपके साथ में कुछ लोग और बैठे थे, वो दो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम हटा, वो लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट के अंदर जो ब्लैक शीशा वो हटा दो और उसकी पर्ची लेके दे दो, वो हम स्टंप लगा के दूसरे डिब्बे में डालेंगे। नहीं, दो बातें आपकी समझ से नहीं बैठ रही। दो बातें नहीं, हमारी बिल्कुल एक ही बात है। नो ईवीएम, नो वीवीपैट, ओनली बैलेट पेपर। कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल केवल बैलेट पेपर। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात नहीं करी, उन्होंने दो रिपोर्टों की बात करी। एक जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट वीवीपैट एंड ईवीएम जो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की है, उस रिपोर्ट का जिक्र किया, और उन्होंने इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि पर्ची दे दो और उसे बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने दो और उसकी गिनती करो, वो उनकी बात करें, वो अपनी बात नहीं कर रहे। हमारा कोई साथी किसी का भी उसमें कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई दो बात नहीं, केवल और केवल एक बात है कि ना हमें ईवीएम चाहिए ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है सर कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी भी कहा उसने, आप क्यों नहीं जाते उसके पास, चुनाव आयोग किसके पास, चुनाव आयोग के पास? हम तो गए थे ना, गिरफ्तार करा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो तो आमंत्रित कर रहा है। कौन आमंत्रित कर रहा है? तुम्हारे पास नोटा आया, मेरे पास तो नहीं आया नोटा, ही नहीं है कहे की कौन इलेक्शन कमीशन है, कौन है आपके इलेक्शन कमीशन के जो है वो तो पहरेदार लग रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन के जो आप वकील लग रहे हैं, कौन है आप? उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है तो वो होता कौन है ये कहने वाला, हम उसकी बात पर विश्वास क्यों करें? ये देश बुद्ध का देश है, अफसोस इस देश में आज की तारीख में भड़ुए और लुटेरे राज कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि आपके पिता कह रहे हैं, आपके माता कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि साधु संत कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। तभी मानना बात को जब अपने आप अनुभव करके, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि ये बात इस तरह से सही है और सच है, और इससे बहुजन का कल्याण होगा, बहुजन मीन्स बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, ये बात कही है। और किसी भी बात की सत्यता का, सच्चाई का इससे बढ़िया कोई पैमाना नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं बताता? इलेक्शन कमीशन देश की जनता से क्यों नहीं कहता कि ये जो सिस्टम है
वाकई में इस सिस्टम में अंधेरे में हम आपको रख रहे हैं। हम वो सिस्टम आपको देंगे कि जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी जान सके कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। और इलेक्शन कमीशन कहे कि हम आगे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। बहुत सीधी सी बात सर, आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो 2024 का चुनाव आप करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तब भी आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या फिर आप बायकॉट करेंगे इलेक्शन का, क्या करेंगे? अरुण जी, हमने आपको बता दिया, हमें जो भी समय पर सही प्रतीत होगा, शांतिपूर्वक तरीके से, पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम हर वो कदम उठाएंगे जो इस देश में ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोकेगा। और बैलेट पेपर के चुनाव, उसमें कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते आज, कल क्या स्थिति होगी, कल जो स्थिति होगी उस समय देखेंगे, पूरी टीम तय करेगी, देश के लोग तय करेंगे, देन उसके इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे CJI जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इस पे मिस्ड कॉल मारें, सारे लीडर्स को जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट है, सिटीजन्स मूवमेंट, हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वो भी वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो हैं ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन प्लेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों 13 राज्यों का नाम दिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही, ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं ख़त्म करता हूँ कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था कि करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा ये कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू उसमें कौन सा लीला है, जादू है मशीन की उनमें से आपको